वेलकम स्टूडेंट्स, हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग। अब मल्टी प्रोसेसर का मतलब जो उसका नाम ही है वो इसी समझ में आ रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो जाहिर सी बात है एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो उसके लिए मल्टीपल प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी लगानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर का मतलब ही यही है कि एक से अधिक प्रोसेसर हैं और वहां पे उन एक से अधिक प्रोसेसर के लिए जितनी भी प्रोसेस है उनका रनिंग टाइम चाहिए रहेगा और कौन सी अब आएगी और कौन सी उसके बाद आने वाली है और किस प्रोसेसर को आप देने वाले हो ये जरूरी रहेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दो तरह के प्रोसेसर होते हैं, दो तरह की प्रोसेसर होती है। एक तो ये होती है कि जो कि मल्टी प्रोसेसर पर रन होती है और एक जो होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से, और वहां पे कोई मतलब जैसे टाइम शेयरिंग के अंदर सिस्टम रहता है वो एक दूसरे यूजर से भी डिफरेंट रहती है। आपस में रिलेशन होता है या आपस में रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग के। और बेसिकली करते क्यों है, जैसे मान लीजिए कि ऐसा सिस्टम हमने तैयार करा जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर है, तो अब उसके अंदर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एक के अंदर अगर FCFS चला रहे हैं और एक के अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट चला रहे हैं तो दोनों बेस्ट है। आपका प्रोसेस आएगा, आपका प्रोसेस जोन से वाले में एंटर होगा और उस हिसाब से उसके ऊपर काम किया जाएगा। मतलब ये कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर के अंदर दो काउंटर्स बने हुए हैं, एक तरफ एक जेंट्स बैठे हुए हैं जो कि टिकट काट रहे हैं और एक तरफ एक लेडीज बैठी हुई है जो टिकट काट रहे हैं। किसी कारणवश वो जेंट्स जो है वो बड़ा स्लो काम कर रहे हैं और उनका कहीं फोन आ रहा है कहीं कुछ, तो वो वाली लाइन जो है आप देखना धीरे धीरे करके वो लाइन छोटी होने चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां पे लोगों को लग जाएगा कि यार यहाँ पे तो टाइम ज्यादा लगा है, और वो मैडम जो है वो उसके पास लाइन लंबी होती जाएगी और वो प्रोसेसर जल्दी चलता चलाएगा। अब एकदम से कोई नया व्यक्ति उस जगह पे आया तो उसको दूर से देखने में क्या लगेगा कि यार मैडम की लाइन लंबी है, मतलब मैडम जो है मतलब काम धीरे कर रही है, और ये व्यक्ति यार इसकी लाइन तो खाली पड़ी हुई है, अभी दो ही लोग हैं इसमें, तो लाइए मैं इसमें चला जाता हूँ। वो बात अलग है कि वो दो के बाहर आपका नंबर तीसरा नंबर था, आपका नंबर इतना देर में आया, इतना देर में आया कि पूरी लाइन ही साफ हो गई, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोसेसर पर चीजें वेरी करती हैं। मान लो सेम टाइप का सेम फैमिली का प्रोसेसर लेके आया, उनको क्लब करके आपने लगाया, लगाने के बाद फिर चालू करा यही सेम प्रोसेस, लेकिन तब भी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आपकी प्रोसेस जो है वो टाइम शेयरिंग मॉडल पे काम कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो तरह के प्रोसेस होती हैं जो कि रन होती हैं मल्टी प्रोसेसर के अंदर, एक वो होती है जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है जैसे कि टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर होती है, और बिल्कुल अलग अलग होती है अलग अलग यूजर के लिए, और दूसरी जो होती है वो होती है जिनके आपस में कोरिलेशन होते हैं और उनके अलग अलग टाइप्स या अलग अलग पर्पस के लिए उनके रिलेशन होते हैं, और वो रिलेशन जो होता है वो ये कहता है कि मैं इस लाइन में लगाऊँ तो तुम भी मेरे पीछे ही आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि खुद तो उस लाइन में लगे ही लगे हैं, साथ में इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर रहे हैं दूसरे प्रोसेस को कि ये वाला CPU बढ़िया है इसमें आ जाओ जल्दी काम हो रहा है इसमें। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, होता कुछ नहीं है। जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग आपने पढ़ी है CPU शेड्यूलिंग में, मतलब प्रोसेस शेड्यूलिंग आपने पढ़ी है, होता सब कुछ वही है, एल्गोरिथम पूरी वही है, बस फर्क इतना है कि नंबर ऑफ प्रोसेसर जब आप ज्यादा कर दोगे तो ये वाली परेशानी, और इससे परेशानी भी होती है, कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता प्रोसेस को। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि भाई हम तो कंप्यूटर खोलते हैं फटाफट क्लिक करना चालू कर देते हैं कि सारी चीजें धड़ाधड़ खुल जाए, तो आप देखेंगे कि जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं अच्छे बड़े या कोई ऐसे रिकॉर्डिंग करने वाले जो वीडियो वो जो होते हैं सर्वर्स होते हैं बड़े बड़े सारे, उनमें देखना या इवन जो सर्वर्स ही होते हैं सर्वर के अंदर तो कितने सारे वो होती है रिक्वेस्ट जनरेट होती है एक बार में, तो उनके अंदर हॉट स्वैपेबल CPUs लगे रहते हैं, हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क लगी रहती है, हॉट स्वैपेबल रैम लगी रहती है, तीन तीन चार चार CPU लगे रहते हैं, दो दो तीन तीन हार्ड डिस्क लगी रहती है, उसको ऐसा रहता है कि चालू हालत में आप पकड़ के निकाल सको वो रिप्लेस कर सको। तो ये हॉट स्वैपेबल जो वर्ड है ये याद रखिएगा, हॉट स्वैपेबल वर्ड ही इसलिए आया है कि मल्टीपल प्रोसेसर जैसे CPU लगे, आपने चार CPU लगाए एक फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, आप चालू हालत में सर्वर बंद नहीं कर सकते, सर्वर बंद कर देंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए अभी जोमेटो वाले या स्विगी वाले सर्वर बंद कर दें तो उनके तो एक टाइम में कितने ऑर्डर प्लेस होते हैं पूरे इंडिया से, या ओला की चली बात कर लें, तो ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके अंदर इंडिया में ढेर सारे ऑर्डर्स प्लेस हो रहा है और सेकंड्स के अंदर लाखों करोड़ों ऑर्डर्स हो रहे हैं, या फोन पे गूगल पे, ये बड़ी बड़ी MNCs हैं। आप खुद बताइए कि अभी फिलहाल इस मोमेंट पे कितने फोन पे ट्रांजेक्शन 10 सेकंड में हो जाते होंगे, ढेर सारे। तो सर्वर बंद करने का तो चांस ही नहीं है, सर्वर तो बंद होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाए, तो वो क्या होती है कि वो सर्वर पे प्रोसेस को निकालते हैं, प्रोसेसर को निकाल के दूसरा नया लगा देते हैं। तो ये सर्वर के अंदर आपको देखने मिलेगा, आप देखना सर्वर रूम के अंदर
बड़े बड़े सारी अलमारियों जैसे कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारी लाइटें जल रही होती हैं और एक रैक मॉनिटर लगा रहता है जिसमें सिर्फ मॉनिटर निकल के आता है और उस मॉनिटर पे आपको काम करना है। एक्सेसिबिलिटी भी सबकी इसलिए नहीं होती क्योंकि रीजन यही है, मल्टीपल प्रोसेसर हम लगाए इसलिए ना क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। सिंपल प्रोसेस जो होंगी उनको तो हम सीपीयू शेड्यूलिंग से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन जब प्रोसेस बढ़ती जाएंगी और नंबर ऑफ प्रोसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि लाखों करोड़ों में तादाद पहुंच जाएगी उसकी, तो फिर आपको मल्टी प्रोसेसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग की। थैंक यू सो मच।